और ये रास्ता वाकई काफी सुंदर है। तो यहाँ देखिए ट्रक का लंबा जाम लगा हुआ है। वेलकम टू जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट। टाटा। ये देखिए चलते चलते आ गए हम खेतों के बीच। वाह, तो लाइट लंबी फेल है। गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो राइट नाउ टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और आज हम लोग जा रहे हैं जवाई। तो अभी बाइक में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है, मैं जा रहा हूँ रिफ्यूल कराने और उसके बाद मैं जाऊँगा अंबारे तिनाली, वहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स आएंगे। तो गाइज हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं नेशनल हाईवे में और मेरे बाकी फ्रेंड्स आ रहे हैं पीछे ये महिंद्रा मराजो में, और एक फ्रेंड आ रहा है वो बाइक से। ये ब्रिज मेनली बॉर्डर है आसाम मेघालय का। तो आज के राइड का प्लान काफी इंस्टेंटली बन गया क्योंकि एक्चुअली मेरे फ्रेंड प्रियंका का बर्थडे है कल, तो उसके लिए हम लोग आज जा रहे हैं जोआई। वहाँ हम लोग नाइट कैंपिंग करेंगे, रात को पार्टी शार्टी करेंगे, उसके बाद कल सुबह हम लोग जाएंगे फिफी फॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम लोग टेस्टिंग सेंटर। तो एक्चुअली यहाँ आर्टिफिशियल नहीं होगा हमारा, पहले रूल्स था हमारा, अभी रूल्स वो हटा दिया आर्टिफिशियल वाला, अभी खाली हमें सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो अभी जीवा वेज में रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है बढ़िया से, और एक जो फ्रेंड आना बाकी था वो भी आ चुका है शुभम, वो अपने जिक्सर में आया है, जिक्सर SF। यहाँ से जोवाई और है 80 किलोमीटर। तो पहुंच चुके हैं हम लोग शिलोंग जोवाई बाईपास में और ये शानदार उमियम लेक। आज काफी गर्मी है हमारे वेदर में, आफ्टर लॉन्ग इस तरफ जा रहे हैं हम लोग, बहुत दिन हो गए। आई थिंक सो हम लोग 1 मार्च को गए थे 2 साल पहले इस रूट में, और ये रास्ता वाकई काफी सुंदर है। मतलब मेघालय रीजन का ये जो रास्ता है ना, ये बाकी सारे रास्तों से एकदम अलग है। यहाँ से लेके पूरा जोवाई तक रास्ता अमेजिंग है, और ये लोग आगे रुके हुए हैं। तो अभी भाई को नींद आ रहा है, इसके लिए अभी जाएंगे गाड़ी में और वो चला गया आगे। ये हमेशा 1 किलोमीटर दूर जाके क्यों रुकता है। तो यहाँ से अब पूरा सिंगल लेनी है, मगर रास्ता काफी अच्छा है जो भाई 73 किलोमीटर, और जो एयरपोर्ट है शिलोंग का वो भी इधर ही है, इसी रूट पे ही है, लगभग यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे। शिलोंग 27, जो है 44। चचा लॉन्ग इतना लीन लिया है मैंने, काफी मजा आया। हम यहाँ से बस 2 मिनट के लिए 4 लेन है, फिर वापस वही 2 लेन आ गया 2 लेन। यहाँ का रास्ता लगता है अभी ताजा ताजा बना ही है,
वरना यहाँ तो काफी मतलब रास्ता खराब था, अभी पूरा स्मूथ हो गया है। तो यहाँ देखिए ट्रक का लंबा जाम लगा हुआ है, पता नहीं आगे कुछ हुआ है या फिर कि ऐसे रोक के रखा है इन्हें, हॉर्न मार के जाते रहते हैं, बस कोई आए ना वरना ब्लॉक हो जाएगा हम लोग। बाप रे बाप, बहुत लंबा जाम है, तो लगता है मेरे आने के वजह से सारा ट्रक को रुका दिया। वेलकम टू जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है, ट्रक के साइड साइड से जा रहे हैं हम लोग, बाइक है तो फ़ायदा है। ओ आगे ट्रक खराब हुआ है, पीछे खराब नहीं हो सकता था फोर लेन में, यहाँ खराब हुआ। ये जाम लगता है पूरा जुवाई तक है। जो लोग गाड़ी में वो लोग तो काफ़ी पीछे है अभी, अभी आगे जहाँ से जाम खुलेगा वहाँ थोड़ा कोने में जाके उन लोग का इंतज़ार करेंगे आने का। जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा। सो फाइनली जाम जो है ख़त्म हो चुका है, लगभग एक घंटा तो आराम से परेशान किया पूरा जाम। जो है बाईपास स्टार्ट, यहाँ से आई थिंक सो हमें सीधा जाना है, सीधा नहीं मतलब राइट साइड। टाटा, क्या रुकेगा उन लोग के लिए? पांच मिनट रुक के बैठ, ठंडा लग रहा है। तो आगे बोट था जो है यहाँ से बस 1 किलोमीटर, और हमारा डेस्टिनेशन वहाँ से और होगा 20 से 22 किलोमीटर। तो पहुँच चुके हम लोग जोआई सिटी, यहाँ से दाव की राइट, और ये जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है रास्ता शायद दोबारा बाईपास के उधर निकालेगा। तो ये कट देख लीजिए, टाउन घुसते करांगसूरी वाटरफॉल, सोंग डेंग पेंग और दाउकी, ये वाला रास्ता जाता है। अभी हम लोग आगे कहीं जोआई टाउन में रुकेंगे, कुछ खाएंगे, फिर जाएंगे वाटरफॉल की तरफ। अभी मौसम अचानक से काफ़ी ठंडा हो गया है, बस बारिश ना है। अरे यार, ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है क्या? दाउकी 52 किलोमीटर। तो ये जो रास्ता था वो पहले सिंगल लेन था, मगर अभी पूरा पहाड़ कटिंग करके इस रास्ते को लगता है 2 लेन बना रहे हैं लोग, पहले तो खराब था अभी और खराब हो गया है। तो यहाँ से आ चुका है पूरा अच्छा रास्ता, अब बस 10 से 12 किलोमीटर और फिर हम लोग होंगे अपने डेस्टिनेशन के पास। स्केन प्रिस्ट विलेज, वेलकम टू फिफी फॉल, डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो यहाँ से अंदर की तरफ जाता है फिफी फॉल, यहाँ गाड़ी का एंट्री टिकट लग रहा है, एक बाइक का 20। तो यहाँ विलेज में घुसते हैं थोड़ा देर के बाद, पूरा धड़ुम धड़ुम रास्ता है, और फिफी फॉल का दो रास्ता है, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। हम लोग आए लेफ्ट साइड से, तो वहाँ एक्चुअली ट्रैकिंग थोड़ा कम पड़ता है, सब टेरेंस बिल्कुल डिफरेंट है। ये रास्ता है, बीच में जगह जगह पर झंडा लगा हुआ है, मेरे हिसाब से ये झंडा डायरेक्शन दिखाने के लिए है क्या, क्योंकि ये जगह ऐसा है ना कि आदमी कहीं भी चला जाएगा उसको रास्ता का पता नहीं चलेगा, तो शायद झंडा उसलिए लगाया है ताकि आदमी लोग सही डायरेक्शन में जा पाए, पर हम लोग भी अभी उसे फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए चलते चलते आ गए हम खेतों के बीच, वाह। तो लाइटलम भी फेल है, वाह व्हाट अ व्यू।
तो लेफ्ट साइड से आके हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, मगर हमें कहीं और जाना था। तो गाइस एक सीन हो गया, एक्चुअली हमें इस तरह से जाना नहीं था, ये लोकेशन कल सुबह के लिए था, मतलब यहाँ से जो ट्रैकिंग है और जो हमारा जो कॉटेज बुक हुआ है वो दूसरी तरफ है, मतलब हम लोग लेफ्ट साइड में आए ना तो हमारा कॉटेज राइट साइड की तरफ था, तो वो हमें ठीक से पता नहीं था। उसके लिए हम लोग दोनों जो बाइक वाले हैं वो लोग दोनों लेफ्ट साइड आ गए और गाड़ी वाले चले गए राइट साइड, अब फिर वापस पीछे आना होगा। तो फिर वहाँ से निकल चुके हम लोग, अभी जा रहे हैं अपने कॉटेज की तरफ। एक्चुअली यहाँ का फॉल का ऐसा ही है, हर फॉल का दो या तीन मूवमेंट है, तो उसके लिए कन्फ्यूजन हो गया। ये है वेलकम टू फिफी फॉल्स। अब यहाँ से फिर थोड़ा बड़ा ऑफ रोडिंग करना होगा। भाई साहब क्या ऑफ रोडिंग किया है ना, पहुंच गया था भाई, क्या ऑफ रोडिंग किया है। ये वे टू वाटरफॉल और ये जो दोनों कॉटेज है ये हम लोगों ने बुक किया था, तो हम लोग आज रात को यहीं रुकेंगे और बाइक तो यहीं पार्क करनी होगी। आइए आपको कॉटेज दिखाता हूँ अंदर से। ये हमारा कॉटेज और ये केक प्रियंका के लिए। वो कॉटेज के बाहर का सीन दिखाता हूँ मैं। उसने बोलता है गांजा मत फूका करो दिन में। तो यहाँ आ गया हमारा लंच। क्या ये मैगी है ना, मैगी विद अंडा, मैगी विद अंडा, एग मैगी, एग। तो राइट नाउ टाइम हो रहा है 3:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। काफी लेट हो गया हालांकि, क्योंकि हम लोग रास्ता भी भटक गए थे और बाकी जाम भी काफी मिला हमें। तो अब आज का स्टे हमारा यही होगा और आज रात को प्रियंका का बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा और उसके बाद कल सुबह हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे फिफी फॉल्स के लिए। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने खास दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। बाय बाय द ट्रू वंडर्स।